नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ नावी गांव में। यहाँ पर G9 पौधा प्लांटेशन किया गया है जो लगभग शुरुआती चरण से लगाने से लेकर अभी तक जो अपनी गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा है और अभी इसका फ्लावर स्टार्टिंग हो गया है। कम से कम लगभग 10 से 20% फ्लावर अभी निकलना शुरू हो गए हैं। फ्लावर की मैं बात बोलूँ तो डंडे की मोटाई नीचे तक सिमिलर है। दूसरा, पंजों में गैप और इसकी केले की साइज एकदम बढ़िया है, प्रीमियम लेंथ है। दूसरा, किसान की सोच थी कि यहाँ पर कुछ एक हादसा हुआ है, मैं हादसा ही बोलूँगा। लगभग कई सारे पौधों में ऊपर की तरफ में ये वाला सिचुएशन जो है ये अभी अगले 15 दिनों में लगभग 30 से 40% जो फ्लावर है वो सर पे लेकर टंगे हुए हैं, जो पट से ये निकाल देगा। और तने की मोटाई और रेडिश काफ़ी अच्छी है और पत्तों की साइज, कलर एकदम बढ़िया है। दूसरा कि हर बंच जो निकल रहा है एकदम प्रीमियम है। ये वाला मैं आपको दिखा दूं और इधर की दिशा में ये अभी निकल रहा है, मतलब हर बंच अपने आप में एक अपनी छाप छोड़ रहा है। दूसरा, ये एक हादसा है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सर पकड़िए थोड़ा सा। और सर ने मुझे अभी दिखाया कि इस फील्ड में कुछ ऐसा हुआ, जैसे ये वाला बंच भी मैं आपको दिखाऊं तो एकदम बढ़िया है। लंबी केले की डंडे की मोटाई, साइज और लगभग काफ़ी अच्छा प्रीमियम केला निकला हुआ है। पंजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पंजे रखे हुए हैं। ऊपर के पंजे में लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 केलों की संख्या है और लेंथ काफ़ी अच्छी है। दूसरा, ये इतना बड़ा जो बंच नीचे गिर गया, इसका बहुत दुख हुआ है हमारे किसान मित्रों को और होगा भी, क्योंकि अभी लगभग यही मैं इसको गिनूं तो 10 केजी के लगभग ये होगा बराबर और काफ़ी बड़ा और लंबा है। अभी इसमें होता क्या है, जैसे लगभग इस पौधे को दिखाइए सर, यहाँ पर जैसे ये जो बंच निकला और निकलते समय सामने ये जो पत्ता है यहाँ पे यू टर्न नहीं कर पाया। जैसे मेरी तरफ आप दिखाओगे तो केले का लुंगर ये कभी भी नीचे से ऐसे ऊपर की साइड आता है और अभी ये गिरा हुआ है, मतलब के लगभग इसको 4 से 5 दिन हो गए हैं। ये टंगा हुआ कब था ऊपर की दिशा में, जब यहाँ पर क्लाउडी इन्वायरमेंट था और बारिश चल रही थी, तो उस समय पौधे को चाहिए उतना फोटोसिंथेसिस नहीं मिल रहा था। दूसरा, भोजन भी चाहिए उतना वो नीचे से अपटेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन लगभग अगर इसको फल को निकालना है तो उसको नीचे से पुशअप देना ही पड़ेगा इस बेबी को बाहर निकालने के लिए। तो कोई भी किसान अगर खेत में घूमता है और देखता है तो अगर ये इस अवस्था में ऐसा अगर लटका हुआ है और निकलते समय सामने अगर इसके पत्ता अगर सामने आ रहा है ये वाला, तो उसको तुरंत इसको हिला देना है, मतलब इस अवस्था में हिला देना है ताकि ये टर्न करे। ये टर्न करने के बाद अगर ऐसा हो गया तो धीरे धीरे फिर ये मैच्योर हो जाएगा और ये टूटेगा नहीं। ये फर्स्ट कारण है। बाकी कई एग्रोनॉमिस्ट को पूछोगे तो कैल्शियम की कमी, नाइट्रोजन ज़्यादा, ये सारी चीज़ें बोलेंगे। लेकिन मेरा लगभग मैं अभी इस पौधे के पास आया तो इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद ऊपर पत्तों को जब देखा तो पत्तों की मॉर्फोलॉजी जो है वो ऐसी है जो कि ऐसी होनी चाहिए ताकि केला डंडा निकाल कर बराबर स्मूथली बाहर आ जाए। तो इतना बड़ा अगर लुंगर नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि किसान के मन में दुख होगा। ठीक है, अभी आगे की दिशा में भी मैं दिखाता हूं कि फ्लावर काफी बड़े बड़े और मोटे तगड़े आ रहे हैं। इधर से लगाना शुरू किया था। लगभग 5000 पौधों का ये प्लॉट है और हर पौधा अपने सर के ऊपर, ये सर यहाँ पर आई है, ये सामने है, ये प्रैक्टिकल है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये वाला फल अभी पूरा पत्ते के ऊपर आ गया है ना। अभी इसमें इतना फोर्स था कि ये इसको दबा दिया। अभी तुरंत अगर आप धीरे से इसको नहीं निकालोगे तो ये इसी तरह से यहाँ पर चौड़ा फैल जाएगा और केले आड़े खड़े टेढ़े बेंड हो जाएंगे। अभी इसको धीरे से ये पत्ते को अपने को यहाँ से निकालना है ना, ताकि इसका वेट ये संभाल पाए, है ना। ये देखिए, अभी हो सकता है कि ये इसको तोड़ दे, है ना। ये देखिए, है ना, अभी यही के यही ये मिल गया हमें। अभी ये मैच्योरिटी ले लेगा 1 से 2 दिन में, उसके बाद में ये अपना पत्ता खोल देगा। उंगली आ रही होगी सामने से थोड़ा सा, है ना। तो ये ऐसा भी होता है, अगर इसको अभी थोड़ा सा पुश आउट करूँ तो तट से टूट के मेरे हाथ में आ जाएगा। और कितना लंबा और बड़ा बंच है। तो ये हमें देखना है, ये पत्तियां जब सामने होती है तो इनको या तो बंच को टर्न कर लेना है हिलाकर, या फिर पत्ती को थोड़ा सा साइड करके इस बेबी को एक अपना रास्ता दिला देना है। यहाँ पर भी काफी अच्छा मोटा बंच है, क्योंकि जब पौधा फ्लावरिंग देता है तो हमें शाम के समय खेत में घूमना है, क्योंकि शाम के समय के बाद में ये टर्निंग पॉइंट के पास जाता है ना। दिन भर दिखेगा नहीं, लेकिन आज जो बंच ऊपर की ओर लेकर रखा हुआ है तो नाइट होल्डिंग कैप करने के बाद में दूसरे दिन अगर आओगे तो ये नीचे लटका हुआ मिलेगा। तो इन चीजों के ऊपर हर किसान को ध्यान रखना है। हर पेड़ अपने सर के ऊपर फल लेकर खड़ा है। हर पेड़ में सर फल है यहाँ पर, है ना। हर पेड़ में और शानदार फल है, एकदम प्रीमियम। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 पंजे रखने हैं, क्योंकि थर्ड की मोटाई काफी अच्छी है ना। थर्ड की मोटाई काफी अच्छी है। दूसरा, आपने मुझे एक क्वेश्चन किया था अभी कि इसमें फर्टिगेशन क्या देना है। तो फर्टिगेशन में फ्लावरिंग पट से निकालने के लिए अभी पोटेशियम सोनाइट वगैरह देना पड़ेगा। तो 1000 पौधों के लिए 4 किलो पोटेशियम सोनाइट। उसके अल्टरनेटिव 4 दिन के बाद आपका अमोनियम सल्फेट और पोटास, ये ड्रिप से एप्लीकेशन करते रहना है। तो अमोनियम सल्फेट और पोटास कितना देना है? तो पोटास 10 किलो 1000 पौधों के लिए और 4 किलो अमोनियम सल्फेट, ये ड्रिप एप्लीकेशन करना है। तो कभी भी अभी अगर पोटास आपको देना है तो तुरंत पौधे को लगना चाहिए। उसके लिए करना क्या है? 100 लीटर पानी, 1 लीटर H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, 10 किलो पोटास, इसको घोल बना लेना है। फिर उसमें अमोनियम सल्फेट डाल के इसको ड्रिप से चला देना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत गर्मी नहीं है, ठंडी नहीं आ रही है, तो फिर आप इसमें यूरिया दे सकते हो, लेकिन यूरिया 2 ही kg देना है, ठीक है। तो इतना करके आप धीरे, कभी पोटेशियम सोनाइट तो कभी आपको ये, तो पोटेशियम सोनाइट कम से कम अभी इस अवस्था में 3 से 4 बार चला जाना चाहिए। 1000 ही 3 किलो या 4 किलो, ताकि ये पट से अपना बंच को बाहर निकाल दे। अच्छा, बाकी चूना वगैरह तो आपने छोड़ दिया है यहाँ पर, है ना। हर बंच अपने आप में मतलब के पूरा रेडी टू डिलीवरी के लिए तैयार है। पूरे बंच में, हर बंच में, ये भी देखो इसमें है, उसमें है, इसमें है, मतलब हर बंच जो सर पे लेकर खड़ा हुआ है। अभी कई किसान पूछते हैं कि मुझे बर्ड इंजेक्शन करना है तो कौन से अवस्था में करूं। तो 1-2 बंच मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, एकदम बढ़िया है, हाइट हेल्थ भी एकदम प्रीमियम बनी हुई है। बर्ड इंजेक्शन के लिए मैं आप किसान मित्रों को एक बर्ड दिखा देता हूँ, ये भी काफी अच्छा है। अभी ये देखिए, इसके डंडे की मोटाई, लेंथ एकदम प्रीमियम है। इसमें स्प्रे में आप अभी कुछ लिए नहीं हो ना? नहीं। तो स्प्रे में अभी शुरुआती चरण में अभी ये तो अवस्था काफी नीचे आ गई है, इसमें बंच स्प्रे हो जाना चाहिए। जब लुंगर बाहर निकल के आ रहा है उस अवस्था में, उसी समय हो जाना चाहिए। इस समय तो इस अवस्था तक तो दूसरा स्प्रे आ जाना चाहिए, जैसे ये वाला है। ये जैसे ही हमें फल दिखता है, इसने तो भी खोल दिया है, जैसे ही ऊपर दिखता है उस समय 15 लीटर पानी में नीम ऑयल 10,000 ppm वाला 5 ml, 40 से 50 ग्राम गुड़ लेना है उसमें, और उसमें आपका 5 ml इमिडाक्लोप्रिड कॉन्फिडर जो आता है वो लेना है, और इसके ऊपर फॉगर्स चला देना है, वो डंडे के ऊपर भी और ये इसके ऊपर के आवरण के ऊपर भी। जब नीचे निकल के आएगा तो सेकंड स्प्रे, तो सेकंड स्प्रे में भी आपको 15 लीटर पानी में 3-19-19 लेना है, 30 से 40 ग्राम। उसके बाद में कॉन्फिडर 7 ml और 40 से 50 ग्राम गुड़, 2 से 3 ml आपका सिलिकॉन बेस स्टिकर, और इसका फॉगिंग स्प्रे कर देना है, फॉगर्स ही चलाना है। तीसरा फंगीसाइड के लिए काम करना है, रोको ट्रेप्टो स्कोर, ये पूरा शेड्यूल मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। लगभग पूरे प्लॉट में बंच निकल कर आ रहे, कोई कचलापट भी है, और ये इतनी मतलब के पूरा निकलने दीजिए। उसके बाद अभी इसको देखिए, अभी शाम का 4:30 बज रहा है, तो थ्रिप्स माइट्स इसके ऊपर से बाहर भ्रमण कर रहे हैं, तो इस अवस्था में इसके ऊपर स्प्रे हो जाना चाहिए ताकि केले में क्वालिटी और शाइनिंग रहे। ये पूरा खुरदुरा कर दिया है नीचे से, बाकी प्लॉट एकदम बढ़िया है, बेस्ट बनाया है, और ये किसान के मेहनत का फल मैं हर बार बोलता हूँ, है ना। तने की मोटाई काफी प्रीमियम है और बंचेस भी काफी अच्छे हैं। ओके, बर्ड इंजेक्शन तर कोणी द्यायचं ते तुम्ही सांगणार होते यांना। बर्ड इंजेक्शन के लिए लगभग जो सर पे लेके खड़ा है उसमें हमें देना पड़ेगा। तो सर वाला जो है आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो अवस्था है, यहाँ पर आइए, ये बर्ड जो ऊपर दिख रहा है वहां पर जो फल निकल के आया हुआ है, ऐसा मेरे हाथ की तरफ ध्यान रखिए किसान मित्र, ये जो निकल के आया हुआ है ये ऊपर वाला जो चोच है, तो ऊपर से 3-4 यहाँ पर बर्ड इंजेक्शन डाल के एक 100 ml लिक्विड या 50 ml लिक्विड ये नीचे की ओर बह के आ जाए, तब उसमें इस अवस्था में बर्ड इंजेक्शन आपको करना है, जो ऊपर में टंगा हुआ फल है उस हिसाब से, और उसके ऊपर टैगिंग कर देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू भारत।